हम एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास बिना समय गवाए चलते हैं। और जीतू जी, आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि मैंने चेहरा पूछा था और आप नाराज हो गए थे चेहरा पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं भी एक वोटर हूं और मैं जानना चाहूंगी कि अगर देश का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है तो ऐसी कौन सी शख्सियत होगी जो उस पद को पूरी तरह से गरिमामय तरीके से उस पद के लायक होगा। ये एक प्रश्न आम जनता का भी है। बहरहाल राष्ट्र की जिज्ञासा उत्तर प्रदेश में कहां चली गई थी? राष्ट्र की जिज्ञासा है, जिज्ञासा उत्तर प्रदेश में कहां चली गई थी? तो भैया 72,000 देने के बाद तो आपके भी वोट नहीं निकल पाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने इस बात को कही है कि हमारे पास चेहरा नहीं है, और आप भी लावणी जी पूछ रही है, पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता मंच पे सिर्फ एक ही बात कहता था कि हर राज्य के अंदर आपके पास 5-5 चेहरे हैं, कौन सा चेहरा नसीम खान जी, कौन सा चेहरा होगा। इसमें पूरे चुनाव कैंपेन को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया, मतगणना हो गई, आज कमलनाथ किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, रमन सिंह की जगह पे जो कहते हैं आदमी पाएंगे उसकी जगह पर बस बगे किसानों का कर्जा, मैं नसीम जी से एक बात पूछना चाहूंगा, आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी वहां काम कर रहे हैं, तो आज हमारे पास चेहरे हैं। नसीम जी, आप मुझे एक बात बता, 2004 के मनमोहन सिंह जी चेहरा होंगे, लेकिन 10 साल चेहरा साबित हुए, और मैं आपसे कहता हूँ 23 तारीख के बाद इस देश के अंदर चेहरा आ जाएगा। लेकिन ये सवाल मनना चाहिए, ये सवाल गलत है कि चेहरा कौन होगा, ये सवाल गलत है। लेकिन इस देश के अंदर चेहरा कौन होगा? चेहरा नहीं होगा तो मोदी नहीं होगा, चेहरा होगा तो कौन होगा? वो नहीं होगा तो युवा होगा, चेहरा होगा तो वो नहीं होगा, चेहरा होगा तो वो नहीं होगा, बंद करके मेरे बगल में राजनीतिक बैठे जैसे काला कोट पहनने वाले जो काले दिल के हैं, जो जनता के लिए काला सोचते हैं, एजेंडे और एसएसपी एजेंडे, बंद करके इनके ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए चेहरे की बात जब आ रही है, सब इतना ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि ठीक है, चलिए बीपी बढ़ाइए मत क्योंकि 23 तारीख को बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ेगा और बहुत सारों का लो होगा। बीपी बढ़ाइए मत क्योंकि 23 तारीख को बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ेगा और बहुत सारों का लो होगा।